नहीं रहे, नहीं तो हमें जो भी करना है फिर हम सब लोग करेंगे। इस संकल्प के साथ हम अपनी जो आज की कॉन्क्लेव हुई है उसको आज इस पल पे यहाँ पे स्थगित करके सरकार का देखते हैं क्या निर्णय आता है, उसके बाद फिर आगे की कार्य को शुरू किया जाएगा और किया जाएगा। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को निर्मल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा को निर्मल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को निर्मल बहने दो, बहने दो, बहने दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंगा हत्या बंद करो। गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा बचाओ भाई, बहने दो। गंगा बहने दो, बहने दो भाई, बहने दो। गंगा बहने दो, गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा बचाओ, जीवन बचाओ। बहने दो भाई, बहने दो। अविरल गंगा बहने दो, बहने दो भाई, बहने दो। अविरल गंगा बहने दो, गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। गंगा को अविरल बहने दो, बहने दो, बहने दो। हमसे विचार करो, गंगा बिल बाद में। पहले 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 हमसे विचार करो, की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद करो। गंगा हमारी माँ है, माँ की हत्या बंद। ये के स्वामी सानंद जी ने सत्याग्रह में अपने प्राण की समर्पण कर आहुति दी, तब सरकार ने गंगा बिल उनके कहने के अनुसार से शुरू किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया। अब 2019 में जब उन्होंने अपना एक बिल बना करके पेश पार्लियामेंट के अंदर लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है, कोई विचार नहीं किया गया, कोई भी स्टेक होल्डर से किसी से भी किसी किस्म की बात नहीं की गई, एक अंधकार है। और हम लोग जो ये जानते हैं कि गंगा जी को नाश की कगार पर ला करके खड़ा कर रोज पल पल गंगा जी को एकदम से ख़त्म करने के लिए जो कार्य हो रहा है, उसमें कानून का चोगा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनता में लोगों से विचार करके उसके बाद ये बिल को पेश करिए। जो छुपा छुपी का खेल अब नहीं चलेगा, लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज नेशनल कॉन्क्लेव फॉर गंगा में हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से आए गंगा भक्तों ने, मातृ सदन से शिवानंद जी आए, भारत झुंझुनवाला जी आए, प्रहलाद गोयनका जी आए, तपस नदी बचाओ आंदोलन से आए, उनके साथ साथी आए,
झारखंड से लोग आए, सबकी एक ही मांग है कि गंगा जी का तिरस्कार बंद होना चाहिए और हर किस्म से ये जो बिल लाया जा रहा है इसको पहले सब स्टेक होल्डर से बात की जाए, विचार किया जाए, उसके बाद जब पूरी रोशनी में आ जाए तो पेश कर दीजिए। लेकिन अगर बिल को एक कमरे में बैठ करके बना करके और अपने लिए चौका बनाना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का कोई भी गंगा भक्त इस बात के लिए तैयार नहीं है और वो अंधकार की गली में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज यहाँ पे क्षणिक प्रदर्शन किया है। अगर इसके ऊपर सरकार ने विचार नहीं किया और रोशनी नहीं डाली और इसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं किया पेश करने से पहले, तो इसके ऊपर पूरे देश भर में आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा और सरकार को जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मंत्री को, प्रधानमंत्री को, जो ई फ्लोस के बारे में IIT कंसोर्शियम रिपोर्ट को ख़त्म करने के लिए CWC की झूठी रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर ई फ्लो की इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको उसका खुलासा किया जाएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। हम सबका एक यूनानिमस व्यू है। देखिए बात है, जो ई फ्लो है उसके लिए जो CWC की रिपोर्ट आई वो कहते हैं 20-30% तक ई फ्लो ठीक है, जबकि जिस मेंबर ने इस रिपोर्ट को, डॉक्टर AK गोसाई हैं कोई, उन्होंने साइन किया और वही IIT कंसोर्शियम की रिपोर्ट के अंदर भी सिग्नेटरी है जिन्होंने उसमें ये साइन किए कि 35-51% का ई फ्लो ज़रूरी है। हमारा सरकार से यही कहना है कि कम से कम आप जिस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हो उसकी सत्यता को तो देख लीजिए और इसलिए आपको पारदर्शी तरीके से इस पर विचार करना होगा। हम सबका ये विचार है कि गंगा जी हमारे ध्येय में हमारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है और अगर गंगा जी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो बचेगा क्या। इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी पहली गुहार किससे होगी, जो सरकार में है जिन्होंने फैसला लेना है, क्योंकि पहला द्वार वही है और अगर वो ही नहीं सुनेंगे तो फिर लोग अब जो अपने आप इकट्ठे हुए आगे जो होगा देखेंगे क्या होता है। तो देश के PM ने तो गंगा की सौगंध भी खाई थी, तो वो ऐसा बिल कैसे आने देंगे? देखिए सौगंध खाना अच्छी बात है, PM ने किसी की बात पे विश्वास किया होगा? ये जो हम लोग पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं हमने उन बातों को झूठा साबित किया है, तो अगर आपने कोई सौगंध खाई है, प्रधानमंत्री ने इस बात के ऊपर हमसे बातचीत भी की थी, कुछ लोग उनके पास गए भी थे, लेकिन बात यह है कि अगर आप बार बार एक गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले के ऊपर बात को रख करके अपने फैसले लेंगे तो प्रधानमंत्री भी तो हमारे ही हैं ना, तो हम उन तक अपनी बात पहुँचा लेंगे, उसमें हमें किसी चीज़ की कोई हिचकिचाहट नहीं है। गंगा के लिए तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? गंगा के लिए तमाम जनता से यही कहना है कि भाई जागो, समय नहीं बचा है आपके घरों में, आज तो आप सुबह उठ के अपने शौचालय में जाकर के फ्लश चला करके पानी से सोचते हैं कि सब सही है, ये पानी ख़त्म होने वाला है, तब क्या होगा? आपके पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है, आपके दूसरे कार्यशिला के लिए पानी की दिक्कत आ रही है, ये सब सही किया जा सकता है अगर आप सही इन्फॉर्मेशन के ऊपर चले। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, इस युग के अंदर आपको सच से पीछे हट करके अपनी पॉलिसी बनाने का कोई हक नहीं है। अब लोग पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है क्या चीज़ है, अब ये आँख में चोली खेल करके गंगा का दहन नहीं हो सकता। इस बात को हर कोई व्यक्ति जो चाहता है कि गंगा के लिए कुछ सरकारी कुर्सी पे बैठ के करे, ये समझ लेना चाहिए उसे। अब लोग खड़े हो गए हैं, गंगा लोगों की माँ है, इस बात की संवेदना हर किसी को अपने मन के अंदर पैदा करनी पड़ेगी और लोगों को खड़ा होना चाहिए, इस चीज़ की सपोर्ट करनी चाहिए। ये नॉन वायलेंट है, इसके अंदर किसी किस्म की हिंसा नहीं है, इसमें किसी किस्म का किसी से रोष नहीं है, इसमें किसी से किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से देखते देखते तो सब कुछ खत्म नहीं। आप जो आंदोलन चला रहे हैं गंगा के प्रति है या अन्य नदियों के बचाने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? ये पूरी इकोलॉजी के लिए है। हमारा ये मानना है कि गंगा जी के साथ जो हो रहा है हूबहू वैसा ही हर किसी और चीज़ के साथ हो रहा है। आप फाइनेंस ले लीजिए, आप बैंकों का पैसा ले लीजिए, आप दूसरी नदियां ले लीजिए, आप ज़मीन की उपजाऊपन को ले लीजिए, आपकी ज़मीन में पराली की उपज के बाद उसको जला करके उसकी जो हवा से दिल्ली की हवा ख़राब हो रही है इसको ले लीजिए,
बातें बड़ी बड़ी होती हैं, पैसा खूब एलोकेट होता है, लेकिन हल नहीं होता है। ये इसलिए है कि इसके पीछे इन्फॉर्मेशन फैसला लेने वालों के पास या तो गलत पहुंचती है या फिर वहाँ पे कोई इंटेग्रिटी की डेफिसिट है। इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। अल्टीमेटली लोग ही तो सरकार चुनते हैं। अगर सरकार को चुनने के बाद लोगों को ही ख़त्म होना है तो सरकार ना ख़त्म हो पहले। ये लोगों की सेंटीमेंट है, इससे सबको डरना चाहिए। लोग आपकी मांगे नहीं मानी गई, आपके अनुरूप नहीं आया ये बिल, तो आप अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो संवैधानिक तरीका है वो करेंगे, लेकिन आएगा। हमारा ये मानना है कि सरकार कोई मरी सरकार नहीं है, ये भी कुछ करना चाहती है, तो हम पहले से क्यों मान लें कि वो कुछ नहीं करेगी? सरकार को जब पता लगेगा कि लोग सच्चे दिल से बात कर रहे हैं तो हमारा ये मानना है वो ठीक करेगी। अगर नहीं करेगी तो देखेंगे। आप भी तो हैं ना, आप भी बोलिएगा। सर, भाजपा ने कहा था कि गंगा 100 दिन में साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूँगी। लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गए सरकार को गंगा अभी तक साफ। देखिए, मैं चलते फिरते मृत व्यक्तियों की बात नहीं करना चाहता।